गांव के बाहर जंगल में एक प्राचीन किले का खंडर था। यह भले खंडर था मगर फिर भी बहुत ही सुंदर जगह थी। लोग अक्सर इस जगह की सैर करने के लिए आया करते थे। एक दिन शहर का एक फोटोग्राफर नवीन भी इस खंडर में घूमने के लिए चला आया और कितनी सुंदर मूर्ति है, शायद इस महल की रानी या राजकुमारी रही होगी, क्यों ना इसकी एक फोटो ले लूं। यह कहकर नवीन जैसे ही फोटो लेने लगता है, अरे ये क्या, ये तो कैमरा में जिंदा राजकुमारी दिखाई देती है। जरूर ये कोई भूतिया जगह है, मुझे यहाँ से तुरंत निकल लेना चाहिए। इस तरह नवीन डर जाता है और फिर वहाँ से तुरंत ही भागने लगता है। मगर जैसे ही वह मूर्ति की तरफ अपनी पीठ करता है, तभी तू मुझसे बचकर कहाँ जाएगा, अब तो तुझे मेरी फोटो लेने ही होंगे। अगर भागने की कोशिश करेगा तो मरेगा। मगर यह सुनकर भी नवीन पीछे मुड़कर नहीं देखता है और भागता ही रहता है। लेकिन कुछ दूर जाते ही उसका पैर किसी चीज से टकराता है और वह जमीन पर जा गिरता है। कहाँ तक भागेगा, अब तू मुझसे दूर नहीं जा सकता। फोटो खींचना, खींच फोटो। नहीं नहीं, मुझे फोटो नहीं खींचने, मुझे माफ कर और जाने दे। फोटो खींच वरना जान से जाएगा, देखेगा मैं कितनी सुंदर हूँ। नहीं मुझे नहीं देखना। उसी समय चुड़ैल अपना रूप बदलकर एक सुंदर राजकुमारी बन जाती है। देख अब तो मैं राजकुमारी बन गई, देखना मैं कितनी सुंदर हूँ, अब तो खींच मेरी फोटो, खींचना मुझे भी फोटो खींचवाने हैं। हाँ हाँ खींचता हूँ। यह कहकर नवीन उठ खड़ा होता है और कांपते हाथों से कैमरा पकड़कर फोटो लेने लगता है। लेकिन जैसे वह कैमरे में देखता है, वह राजकुमारी उसे फिर से खौफनाक चुड़ैल दिखाई देती है और चुड़ैल चुड़ैल, अरे कोई बचाओ, कोई मुझे इस चुड़ैल से बचाओ भाई। जैसे ही नवीन चिल्लाता है, उसकी चीख सुनकर तुरंत कुछ लोग वहां आ जाते हैं। अरे क्या हुआ भाई, चुड़ैल चुड़ैल कहकर क्यों चिल्ला रहे हो? अरे कहां है चुड़ैल, यहां तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है भाई, अभी अभी यहीं थी, पता नहीं आप लोगों के आते ही कहां गायब हो गई। नवीन की यह बात सुनकर एक महिला आके आती है और वो नवीन को समझाते हुए कहती है, बेटा शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लगती, तुम घर जाकर आराम करो। शायद आप ठीक कह रही है मोहतरमा, बच्चा किसी भ्रम का शिकार हो गया है। अब उनके समझाने पर नवीन खामोश हो जाता है और फिर अपना कैमरा उठाकर अपने घर चला जाता है। मगर फिर जैसे ही रात होती है, नवीन दरवाजा खोलो, देखो मैं आई हूँ, मुझे फोटो खींचवाना है नवीन। चुड़ैल की यह आवाज सुनकर नवीन बहुत अधिक घबरा जाता है और डर में बड़बड़ाने लगता है। अरे अब क्या होगा, ये चुड़ैल तो मेरे घर तक पहुंच गई, लगता है मेरी जान ही लेकर छोड़ेगी, भगवान मुझे इस चुड़ैल से बचाओ। चुड़ैल नवीन को कई बार आवाजें देती है मगर नवीन की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। फिर अचानक ही उसका पड़ोसी मंगलू चुड़ैल को इस तरह से आवाज देते हुए देख लेता है। अरे कौन हो भाई तुम, और इस वक्त नवीन से क्यों मिलना चाहती हो? तू कौन है रे, तू मेरे काम में टांग अड़ाने वाला कौन, ले तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। यह कहकर चुड़ैल मंगलू की तरफ बढ़ती है और मंगलू जोर जोर से चीखने लगता है। अरे बचाओ, कोई बाहर आओ, गांव में चुड़ैल घुस आई है, मुझे मार डालेगी, कोई बचाओ भाई।
मंगलू यूं चिल्लाते हुए भागने की कोशिश करता है, मगर चुड़ैल उसे दबोच कर मार डालती है। और फिर जैसे ही सुबह होती है, भाइयों इसे खंडर वाली चुड़ैल ने मारा है, कल रात वही गांव में घूम रही थी। पर तुम ये कैसे कह सकते हो, क्या तुमने उसे देखा था? उस आदमी के यह पूछने पर नवीन गांव वालों को सारी सच्चाई बता देता है और फिर वे सब हैरत में पड़ जाते हैं। अरे यह तो गजब हो गया, इस तरह तो यह चुड़ैल न जाने कितने लोगों को मार डालेगी। पर इस हिसाब से तो यही लगता है कि चुड़ैल की इस नवीन से ही कोई दुश्मनी है और वो इससे बदला लेना चाहती है। पर मुझसे क्या दुश्मनी हो सकती है? ये तो अब परमात्मा जाने या फिर वह खंडर वाली चुड़ैल। उस दिन के बाद नवीन बहुत डर जाता है और वह रात के समय अपने घर से बाहर कदम तक नहीं रखता। मगर चुड़ैल रोज रात को गांव में आकर किसी न किसी को अपना शिकार बनाती रहती है और इसलिए सारे गांव में आतंक मच जाता है। सरपंच जी, इस तरह तो चुड़ैल हम सबको मार डालेगी, मैं तो कहती हूँ इसका कुछ करना पड़ेगा। पर इस चुड़ैल से छुटकारा पाने के लिए हम करें क्या? मैं तो कहता हूँ कि इस नवीन को ही गांव से निकाल दो। ये चुड़ैल नवीन को ढूंढने गांव में आती है और गुस्से में किसी और को मौत के घाट उतार देती है। ये क्या कह रहे हो? मैं नहीं कह रहा, आप ये बात नवीन से पूछ सकते हैं, उसने खुद ही हमें बताई थी। चाहो तो आशा से पूछ लो। क्यों आशा बेटी, क्या ये सच है? हाँ सरपंच जी। यह सुनकर सरपंच चिंता में पड़ जाते हैं और उन सबको समझाता है। मगर इस तरह से हम नवीन को भी तो चुड़ैल के हाथों नहीं मरवा सकते, वो भी तो इसी गांव का है। बात तो आपकी सही है सरपंच जी, मगर अब करें क्या? सब मिलकर कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ हल निकल ही आएगा। धीरे धीरे नवीन को भी यही लगने लगता है कि शायद चुड़ैल की उससे कोई दुश्मनी है और वह उसे बदला लेना चाहती है, इसलिए उसे गांव वालों की जान बचाने के लिए चुड़ैल से मिलना ही पड़ेगा। यही सोचकर एक दिन नवीन, चुड़ैल लो मैं आ गया, तुम मेरी जान ले लो, मगर मेरे गांव में जाकर किसी की जान मत लो। नवीन के यह कहते ही चुड़ैल उसके सामने खड़ी होती है और फिर, बताओ मूर्तिकार नागेंद्र, तुमने मेरी हत्या क्यों की थी? ये आप क्या कह रही है, मैं मूर्तिकार नागेंद्र नहीं, बल्कि मैं तो फोटोग्राफर नवीन हूँ। याद करो, तुम ही वो नागेंद्र थे जिसने मेरी हत्या की थी। मूर्तिकार लो खीर खा लो, शाही रसोई से तुम्हारे लिए खास खीर बनाकर लाया हूँ मूर्तिकार। रख दो, थोड़ी देर में खा लेता हूँ। लो खीर खा लो, शाही रसोई से खास तुम्हारे लिए मंगवाई है। सच? हाँ सच। मैं तो तुमसे प्रेम करती थी, फिर तुमने मुझे क्यों मारा? याद रखना, मैं अपनी मौत का तुमसे बदला जरूर लूंगी। पर मुझे नहीं पता था कि इस खीर में जहर मिला हुआ है, मैं सच कह रहा हूँ प्रेमा। अब तो समझ गए ना कि मैं तुम्हें क्यों मारना चाहती हूँ। मैं सालों से बदला लेने के लिए तड़प रही हूँ। पर मैंने तुम्हें कहाँ मारा था, वो खीर तो महल का नौकर देकर गया था और मुझे तो पता भी नहीं था कि उसमें जहर मिला हुआ है। चुप कर धोखेबाज। मैं सच कह रहा हूँ, उस जहरीली खीर से कोई मुझे मारना चाहता था, पर गलती से तुम मारी गई प्रेमा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मुझे तो बस बदला लेना है तुझसे, उस जन का बदला। यह कहकर चुड़ैल नवीन को मारने के लिए आगे बढ़ती है और नवीन अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है। इसी भागदौड़ में उसके हाथ में न जाने कहां से एक त्रिशूल आ जाता है और उस त्रिशूल को छूते ही चुड़ैल जल उठती है और फिर पतंगे बनकर हवा में गायब हो जाती है।